दस चुके जी, पानी की बहुत प्रॉब्लम आई, होर तो बाकी तुम देख ही रहो क्या हालात आई हॉस्पिटल के, जिस तरह बीमारी बढ़ रही है, बीमारी घटनी की वधूगी, जन्दर कि बुरा हाल है, कोई मास्क नहीं लग रखता, बिना मास्क तो तुरे रहेंगे, अपने स्टाफ भी तुम देख लो खुद, कोई मास्क नहीं लाता, कोई स्टाफ नहीं कहता बिना मास्क तो क्यों आ रहे हो, इधरला भी देख लिया, इधरला भी देख लो जी, बुरा हाल है। हाँ जी, फिर कितने जाने बाहर ही जी, बस गुरुद्वारे वार्ड के मरीजों की गिनती वेख ली है बिना मास्क तो, उत्थे घट्टो घट्ट सैकड़े लोग बैठे हुए हैं, एक मरीज होंगे उन्होंने पांच दस जने आराम नाल आउंदे आ जी, इत्थे कोई पुछगिछ नहीं हैगी, ना ही सिविल सर्जन वालों है तो ना ही प्रशासन वालों कोई है जी। ठीक है जी, उदो बाथरूम की तुसीं हालत वेख ली है जी, तो अंदर जी ओ पी डी पुरानी है जी, उत्थों भी बाथरूम का मरा मंदा हाल है, तो इत्थे इको बाथरूम है जी, इत्थे लेडीज़ जाती है, इत्थे जेंट्स जाते हैं, होर आसे पासे कोई बाथरूम नहीं हैगा, इत्थे जाते हैं जी। तो जिहड़ा पानी का प्रबंध है जी, पानी का तकरीबन अज तो मैं दो महीने पहला भी सिविल सर्जन लिख के दे चुका पानी के संबंधी, पर हजे तक पानी के बाथरूम का कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, बाथरूम के जो वाटर कूलर है कुछ समाज सेवाइया लवाए सी, पर उन्हें मोटर जी है वह चल नहीं रही, पानी ठंडा नहीं आता गर्म आता, तो दूसरे जो वाटर कूलर है जी एमरजेंसी वार्ड वाले दो लगे से वह भी पट के लै गए जी डेंगू के, तो साढ़े को रोज़ के जानी कह लो कि ओ पी डी के तीन चार मरीज डेंगू के आते हैं, असी एक दो मरीजों की रोज़ दाखला भी करते हैं डेंगू वार्ड में, तो चार ज पाँच मरीज साढ़े को इस टाइम दाखिल ने, तो जदों इस डेंगू के होंगे कि सैल ज़्यादातर जिन्होंने आप प्लेटलेट कहें घट जाते हैं, जिदे करके कि ब्लीडिंग का खून वगण के जोड़ा एक डर हों खतरा हों, तो साढ़े ब्लड बैंक के सैल की प्लेटलेट्स की सहूलत हैगी है, जिदे ज़्यादा सैल घटते हैं तो असं उन्होंने फिर जो ब्लड ट्रांसफ्यू वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर देने। ये गल सही नहीं है क्योंकि हर फ्लोर के उत्ते सैपरेट कूलर लगे है, गाइनी के फस्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से और उपरले पासे जो वाटर कूलर लगे हुए हैं, साडा एक वाटर कूलर के टूटियां ला के लै गए हैं, कल उन्हें चार पुश पंप से जोड़े उतार ले किसी ने शरारती बंद ने और असं ठीक कर रहे हैं, अज उन्होंने समान दिता और अच्छे ठीक कर रहे हैं, और सैकेंडली जे पेशेंट की गल कर रहे हो पेशेंट एक अनोन है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, उन्होंने साडा ही हस्पताल सामभ रहे और डॉक्टर गगन उन्हों का इलाज कर रहे, उन्हें कच्चा प्लस्तर लगे और ड्रैसिंग वगैरह परसनल तौर के निजी तौर पर देख रहे हैं, पेशेंट जो साढ़े को आया से अनोन कुछ छड गया से, उनकी फिर भी सेवा करके उनकी लत का काफ़ी तक हद तक इलाज करके उनके पहले के मैगट्स पे जिन्होंने डॉक्टर गगन जड़े है साफ करके और प्रॉपर तरीके ठीक कर रहे, कच्चा प्लस्तर लगे सफाई दे क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो बार बार पेशाब या कुछ उपर ही कर देता, असी कैथेटर पाया होया उनके बगैर तौर के उत्ते और बार बार खिंचद, असी होर भी समाज सेवी संस्थावों अपील करेंगे कि जो कोई उन्होंने लिजा सकते क्योंकि साढ़े इलाज वालों पक्षों एक जो काफ़ी हद तक ठीक है, तो बाकी जरा अपनी केयर पहले उन्हें नहीं की हुई, असं उन्होंने मैगेट में रोज़ सफाई कर रहे हैं और उन्होंने थोड़ा जहा टाइम जरा लगता साढ़े ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गगन जेड़े है उन्होंने निजी तौर पर देख रहे हैं। डॉक्टर साहब जी गल जिस तरह तुम दस प्राइवेट रूम के कि प्राइवेट रूम की सफाई इस तरीके की होंगी है कि प्राइवेट रूम की सफाई बहुत अच्छी होंगी है, पेशेंट जेड़े हैं उनकी दिमागी हालत ना ठीक होने करके वो बार बार गंद पाता जिन्होंने बार बार ठीक साफ करना पैंदा, पर दो पेशेंट है दूजा पेशेंट का वही हाल है, दूसरा भी अननोन पेशेंट है जी, दोनों पेशेंट पर सर उसका और उन्होंने असं सैपरेट इसी वालों रखा हुआ रूम च ताकि बाथरूम का इस्तेमाल नाल ही कर सकन, उन्होंने उठ के नाल जाना पे। डॉक्टर साहब जो गैनी वार्ड की गल करिए तो बाहर जो है बाथरूम है उन्हों की सफाई का भी इन्ना तो बुरा हाल है, तुम खड़ नहीं सकते उसे जे गायनी के अंदरले बाथरूम में जो लेडीज़ यूज़ कर दी ठीक ने, जो बहरले पब्लिक बहुत यूज़ करती है, सामने बाजार वाले भी यूज़ करते उन्होंने तीन बारी असं दिन च साफ भी करीदा और पब्लिक को भी अपील करते हैं कि उनकी साफ सफाई का विशेष तौर पर आप भी खुद भी ध्यान रखना। डॉक्टर साहब जी गल करिए डेंगू की, जिस तरीके कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डेंगू के मरीज भी बढ़ रहे हैं, इस वे मोगा सरकारी हस्पताल में डेंगू केसा की भीषण हो गई है, डेंगू के पेशेंट साढ़े को मैडिकल स्पैशलिस्ट डेली ड्यूटी के होंगे है, साढ़े को इधर कोविड का प्रैशर भी काफ़ी है क्योंकि लैवल टू का हॉस्पिटल के 25 बैड बने हैं जिनके को साढ़े के पेशेंट एडमिट होंगे रहेंगे है, और सैकेंडली साढ़े को डेंगू के पेशेंट चार एडमिट से दो बिल्कुल ठीक होकर असं चले गए हैं, दो होर नवे आए हैं साढ़े डॉक्टर जो मैडिकल स्पैशलिस्ट ने और रेगूलर तौर पर देख रहे हैं, और उस तो बाद आई डी एस पी लैब के अंदर सारे बेनती है जो मर्जी आके साढ़े को टैसट फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार वालों जो दिए गए हैं वो करवा के अपना इलाज करवा सकते। डेंगू के मरीजों की जो दवाई की गल की जाए तो सरकारी हस्पतालों फ्री मिलती है? हाँ जी हाँ जी, डेंगू के मरीजों को सरकारी हस्पतालों दवाई फ्री मिल रही है, साढ़े मैडिकल स्पैशलिस्ट और साढ़े एपिडमोलॉजिस्ट जो है इस गल के उत्ते विशेष ध्यान दे रहे हैं।